हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज मैं आपको टेरी रूबिया का एक ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी, बेल्ट वाला। तो ये मेरे पास टेरी रूबिया का कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट होता है। और जैसे आप सिल्क की साड़ी है या किसी भी प्रकार की साड़ी है, उस पर ज़्यादातर लेडीज़ लोग घर में यही पहनती हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम साइज़ चेक कर लेते हैं। तो बस साइज़ 41 है, वेस्ट साइज़ इसकी 36 है, शोल्डर 14 है और स्लीव्स जो है बहुत छोटी बनेगी, 3.5 या 4 तक हम रखेंगे। और जो इसका राउंड है वो 15 है, लेंथ भी 15 है और जो प्लेट है, डार्ट पॉइंट है, वो 11.5 है और आर्म होल 17 है। तो इस पर आप अपनी साइज़ लगाकर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले कपड़ा नापते हैं। तो देखिए, ये जो टेरी रूबिया के जो पीसीज आते हैं ना, ये 1 मीटर के आते हैं और 90 सेंटीमीटर के आते हैं। तो वैसे अगर ये मैं बिना बेल्ट का बनाती तो ये 90 सेंटीमीटर में बन जाता, लेकिन 1 मीटर बिल्कुल ठीक रहता है क्योंकि बेल्ट वाले ब्लाउज़ में थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लगता है। अब विड्थ वाइज जब मैंने इसे चेक किया तो ये 17.5 आया है, ठीक है, यानी जिसे गजरज का कपड़ा बोलते हैं ना, ये वो है। तो देखिए, खुली साइड को मैंने अपनी तरफ किया है और बंद साइड को मैंने बाहर की तरफ किया है। जितना भी ड्राफ्ट बनेगा हमारा, जो किनारी है वो छोड़ के बनेगा। अब देखिए, इसके अंदर हम कर्व की सहायता से भी बना सकते हैं, और बाय चांस आपके पास कर्व ना हो तो विदाउट कर्व हम कैसे बनाएंगे वो भी आपको बताऊंगी। खुली साइड अपनी तरफ, बंद साइड बाहर की तरफ रखा है क्योंकि मैं इसे खुला फ्रंट से बना रही हूँ। अब सपोज़ करो आपको बैक साइड से ओपन बनाना होता तो इस वाली जो बंद साइड है इसे अपनी तरफ कर लेते और खुली साइड को बाहर की तरफ कर लेते, बस इतना चेंज करना होता है। अब देखिए, हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे तो 3.5 का सबसे पहला निशान लगाएंगे, ये हम फ्रंट पोर्शन काट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डार्ट पॉइंट था वो 11.5 था, तो हमने 11.5 का निशान लगा लिया। तो अब आप देख रहे हैं ना, ये लगभग 15 के आसपास तो मेरे पास यही कपड़ा हो गया और लेंथ भी मेरे पास 15 आ रही है। तो आप ऐसे ना सोचें कि आपका ब्लाउज़ गलत हो जाएगा। देखिए, ज़्यादातर ब्लाउज़ों में जो कंप्लेंट आती है वो इसी की वजह से आती है कि आप बेल्ट ब्लाउज़ की लेंथ ही ठीक नहीं रखते हो, फ्रंट का पोर्शन जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अब हमारे पास 14 इसका शोल्डर है, -1 करेंगे क्योंकि पीछे का बड़ा गला है, तो 13 हो जाएगा। 13 का हम हाफ करेंगे तो 6.5 लेंगे, ठीक है। जो डीप नेक जब भी बनाते हैं तो उसके अंदर आप शोल्डर को 1 इंच कम कर देना। अब देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब डीप नेक बनाते हैं ना, 5.5 शोल्डर रख देंगे या 6 शोल्डर रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूँ, कभी भी आप 5.5 शोल्डर मत रखिएगा और 6 भी मत रखिएगा, 6.5 लास्ट है, ठीक। कोई कोई पोजीशन आती है जिसमें हम कम करते हैं, बाकी में नहीं करते। तो देखिए, अब मैंने सबसे पहले जहाँ पे हमने किनारी लिया ना, उस जगह को छोड़ दिया, लेकिन जब हम शोल्डर नापेंगे ना तो इस किनारी को लेते हुए नापेंगे। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होगा, जो हुक आगे से ऐसे खुले खुले से होते हैं ना, वो सब इसी की वजह से हो जाते हैं। छोटी छोटी सी ब्लाउज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो 6.5 मैंने पूरा शोल्डर ले लिया और यहाँ पे मुझे 7 लेना है, ठीक है ना। जैसे ऊपर तो हमने एक कम किया, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा लेना है। ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ पे कम ले लो। तो 6.5 हमारे को शोल्डर और लेना है और आर्म होल के पास हमें 7 लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास आ गया है अब बस्ट साइज़। बस्ट साइज़ मेरे पास 41 है, तो हम 1 इंच लूजिंग लेते हैं, 1 इंच हम प्लेट का लेंगे, तो यानी 2 इंच हम इसमें डाल देंगे, तो 43 हो जाएगा। 43 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.75 हो जाएगा। तो हम 10.75 जो पूरा लेंगे ना, वो किनारी जो आगे की जो है ना, इसको छोड़ के लेंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। अच्छा देखिए, अब हमने कमर का कर्व नहीं डाला क्योंकि जब प्लेटें डालेंगे कर्व अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए, अब हम नेक बनाएंगे। तो नेक की विड्थ हमें जो लेनी है वो हम बाद में लेंगे, पहले हम देखें। बहुत बार क्या होता है ना, लोग कह देते हैं कि हमारी जो शोल्डर की पट्टी है इससे कम मत रखना। तो 3.25 मैंने उधर रखा और 3.25 ही हमारे पास इधर बच गया, ठीक है। अब देखिए, जो नेक की लेंथ लेनी है वो मुझे 7.5 लेनी है तैयार। तो अभी हम 7.5 पे निशान लगा लेते हैं, लेकिन काटते समय थोड़ा सा चेंज आएगा, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये हमने इसलिए निशान लगाया, अगर हम पाइपिंग लगाएंगे तो चेंज करेंगे, अंदर की पट्टी या बुकरम वाला बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए, आपको गोल गला बनाना है तो आप ऐसे निशान लगा लीजिए, ठीक है, ये आपका गोल गला बन जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी गोलाई बन गई ना कर्व की सहायता से। अब सपोज़ करो आपको यू गला बनाना हो,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने कर्व को ऐसे कोने में रख देना है, ये देखिए छोटा सा गोल यहाँ पे आ जाएगा तो वो यू नेक बन जाएगा। लेकिन आपको कोशिश करना है कि फ्रंट में यू मत बनाइए, बैक पोर्शन में आप यू बनाइए, फ्रंट में आप नेक ही रखिए, नहीं तो ब्रा की जो पट्टियाँ होती हैं वो दिखने लगती हैं। अब हाफ इंच का हम यहाँ पर ये देखिए स्लांट लेंगे और एक इंच अंदर लेके हम इसकी शेप के लिए बनाएंगे। ये जगह हमारी शेप के लिए बन रही है, शेप अभी बन नहीं रही है, सिर्फ उसका स्पेस ले रहे हैं। अब देखिए एक कोना हमारे पास ये बन गया है, इस कोने से 1.5 ऊपर जाएंगे, ठीक, और जाके अब हम इसकी शेप करेंगे। ये हमारी बाहरी शेप हो रही है। तो अगर आपके पास कर्व है फिर आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर्व से कर लो। अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कर्व नहीं होता, वो ऐसे ही बना लेते हैं। अब हमें इस कोने से ही ऊपर चलना है हाफ इंच, ठीक, ये हमारी फ्रंट की शेप के लिए है। अब जो हमने पहले लाइन लगाई थी ना, ये देखिए इस लाइन से टच करते हुए इस शेप को मिला देना है, बस इतनी ही शेप करनी है। बहुत गहरी गहरी अंदर शेप कर दोगे तो आर्म होल में पूरा झोल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास ऊपर का पोर्शन हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी प्लेटें सेट करेंगे। तो ये देखिए हमने जो छोड़ा है ना किनारे को, उसके बाद हम 3.5 का एक निशान लगाएंगे। अब इसको हम नीचे तक मिला देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम पूरी 1.5 यानी 1.5 इंच की प्लेट लेंगे, 0.7 इधर 0.7 उधर, और लेके प्लेट का मार्किंग करेंगे। ये देखिए अब हमारे पास जो सेंटर प्लेट बन गई ना, अब इसी के अकॉर्डिंग ही हमारी सारी प्लेटें डलेंगी, ठीक है। अब इसी लाइंस को बेस बनाते हुए 1.5 हम आगे चले जाएंगे, ये हम आगे चले गए, और इसी को बेस बनाते हुए 1 इंच हम एक बार और चले गए। तो देखिए अब हमारे पास एक सीधी लाइन बन गई। तो ये तीनों जो प्लेट्स हैं ये एक ही लाइन में होनी चाहिए। बहुत बार क्या करते हैं, गोल शेप डाल देते हैं, ठीक है ना, तो उससे सारी फिटिंग गड़बड़ हो जाती है। जब भी आपको प्लेटें डालनी है तीनों एक लाइन में डालनी है। अब देखिए इसको हमें मिलाना है 3.25 तक। तो अब ये 3.25 हमारा कहाँ से आया, ये हमारी नेक की जो विड्थ थी वो 3.5 थी, ठीक, जितनी ये है उतना ही हम ये तिरछापन लेंगे। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, इस जगह पे खिंचाव बना रहता है, ठीक है। सीधी भी बहुत सारे लोग डालते हैं, हम भी डालते हैं, लेकिन कुछ जगह होती है बेल्ट वाले ब्लाउज में तिरछी डाल लो बेटर रहती है। अब देखिए नीचे से मैंने लगभग 1 इंच ऊपर निशान लगाया और इस प्लेट को मिला दिया। अब मिलाने के बाद मुझे फिर से जैसे 1.5 की ही प्लेट लेनी है, 0.75 नीचे 0.75 ऊपर लेके अब इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये देखिए इस प्लेट का बड़ा महत्व होता है, कप साइज़ बनाने में ये प्लेट बड़ा मदद करती है। तो ये दोनों प्लेटें 1.5 की होंगी, ठीक। अब आ जाते हैं इस प्लेट पे, इसे हम हाफ इंच की डालेंगे, यानी 2.5 इधर 2.5 इधर 0.25, ठीक है ना। तो ये देखिए ये होगी हमारी हाफ इंच की। अब आ जाते हैं इस प्लेट पे, आर्म होल में झोल हमेशा जब भी आता है, जब आपकी ये वाली प्लेट भी गलत डली हो, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैं इसमें क्लियर कर रही हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से बनाना। अब देखिए ये आर्म होल का जो कोना बना था इससे हमने ऐसे करके बीच वाली प्लेट को मिला दिया। अब मिलाने के बाद हम इस प्लेट को बेस बनाते हुए 2.5 ऊपर निशान लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये बीच की प्लेट का हमारा जो कोने पे हमने निशान तो लगा दिया, अब हमें इसकी विड्थ कैसे आएगी। अब विड्थ लेने के लिए जब हम इसको ऐसे करके मिला रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों ने आपस में काटा है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये कटी हैं हमारी, ये देखिए दोनों लाइनें, इस लाइन से हम इसे तिरछा मिला देंगे तो हमारे पास प्लेट की विड्थ भी आ जाएगी, ठीक है। इसे ऐसे नहीं बनाएंगे कि जैसे लाइन के इधर और उधर, ऐसे नहीं, इसको इस तरह बनाएंगे, एक लाइन कोने पर, एक लाइन आपकी वहाँ आनी चाहिए जहाँ पे दोनों लाइनें आपकी मिल रही हैं, ठीक है। तो चलिए इस कोने पे आपका खिंचाव बना रहेगा और ये कोना एकदम परफेक्ट रहेगा। अब देखिए ये हाफ इंच का बन गया, ठीक है, इसीलिए अब दूसरी साइड का भी हाफ इंच का, यानी 1 इंच में पहले ही अपनी जो विड्थ थी उसमें बढ़ा चुकी हूँ, अब हमें इसमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम फिटिंग डालेंगे तो इसी के ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी जो नेक है उसको सेट कर लेते हैं, कटिंग का टाइम आ चुका है। तो अब देखिए आपने देख ली ना दो प्लेटें 1.5 1.5 की, ये वाली और ये वाली हाफ हाफ इंच की हैं,
ठीक है, सारी प्लेटें आपको बिल्कुल इसी शेप में देनी है, और इस बनने के बाद हमारा एल शेप बननी चाहिए। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आपकी प्लेट बने, एल शेप बने, गोल शेप ना बने। गोल शेप बनने से बिल्कुल ब्लाउज़ ख़राब हो जाता है। तो अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने पहले बाहरी शेप काटेंगे, क्योंकि इसी को रख के हम बैक पोर्शन भी कट करेंगे। अब बाहर की शेप कट करेंगे, बाहर की शेप कट करेंगे, और फिर हम यहाँ पे मार्जन लेंगे। ये तो फिटिंग का निशान लगा दिया ना, अब मार्जन लेंगे। तो मार्जन आप अपने हिसाब से ले लेना, 1.5 मार्जन बिल्कुल ठीक रहता है। अब देखिए, हम इसमें पीछे का पोर्शन कट करेंगे, बैक पोर्शन बनाएंगे। तो बैक पोर्शन बनाने के लिए बन साइड को मैंने अपनी तरफ कर लिया है, ठीक। अब ये जो किनारी वाला पोर्शन है, इसको मैं, ये देखिए, ऐसे करके आगे निकाल दूँगी, ठीक है। आगे निकालने के बाद तब हम बैक पोर्शन बनाएंगे। ये हमारी हुक पट्टी जो लगती है ना, उसका होता है। बहुत बार आप लोग आगे नहीं निकालते तो सारे हुक खींच जाते हैं। तो चलिए, अब हम इसकी लेंथ सेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1/2 इंच हमारा बेल्ट लगाने में जाएगा, और ये जो प्लेट है ये 1.5 की है। तो जब हम इसे प्लेट को डाल देंगे, यानी 1.5 इंच ये और 1/2 इंच लेंथ में से कम होगा, तो यानी 2 इंच हमारा ये पूरा कम हो जाएगा, ठीक। तो अब हमारे को देखिए, जब हम इसकी लेंथ बनाएंगे, हमने अभी बनाई है, ये बनने पर हमारा पूरा 15 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके बैक पोर्शन में 2 इंच बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जो 2 इंच बढ़ाएंगे, ये हमारा फोल्डिंग का होगा, और जब हम ये प्लेटें वगैरह सब डाल लेंगे ना, तो ये 2 इंच हमारा कम हो जाएगा, और बेल्ट हमारी अंदर ही एडजस्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, अब मैंने 2 इंच बढ़ा लेना। अब देखिए, ज़्यादातर क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स ये आती है कि हमारा ब्लाउज़ आगे को गिर रहा है, तो वो सब इसी की वजह से आती है। तो देखिए, ये मेरे पास आगे की लेंथ तैयार यहाँ पे आएगी, उसके बाद हमारी बेल्ट लगेगी, और ये इसी के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। तो 2 इंच मैंने बैक पोर्शन बढ़ा के कटिंग कर लिया है। तो अब जैसे मैंने, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो ये कि हमारा सारा ब्लाउज़ आगे आ जाता है, जैसे हम पहनते हैं थोड़ी देर में वो गला सारा आगे गिरता है, तो इसी की वजह से गिरता है, क्योंकि आपका जो कप साइज़ है ना, वो थोड़ा ऊपर बन जाता है, और जैसे ही आप ब्लाउज़ पहनते हैं तो ब्रेस्ट जब कप में सेट होती है तो वो आगे को खींच लेती है पूरे ब्लाउज़ को। तो इसलिए आप लोग जब भी कभी बनाओ तो बिल्कुल सेम इस तरह बनाना। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स थे, वो हमें बोलते थे कि हम कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते, हमारे को जो है प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। तो मैंने एक कोर्स में से वीडियो निकाल के यहाँ पे डाली है, तो हो सकता है आपको बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। तो चलिए, अब हम देखिए प्लेट्स के निशान लगा रहे हैं। तो ये प्लेट्स के निशान हमें इस तरह लगाने हैं, ठीक है। इन दोनों निशानों को पकड़ेंगे और एक प्लेट डाल देंगे यहाँ पे। अब देखिए, मैंने सारी प्लेट्स के बारे में आपको बता दिया बहुत डिटेल से, और बिल्कुल अगर आपने सेम ऐसे ही बनाया तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अब इसका हम गला सेट करेंगे। तो देखिए, अगर आपको बुकरम वाला बनाना है तो आप ऐसे ही बनाना, लेकिन मुझे पाइपिंग वाला बनाना है, तो मैंने ऊपर पहले जो सिलाई का है वो छोड़ा, उसके बाद मैंने 7.5 पे निशान लगाया। अब आप अगर बुकरम वाला बना रहे हो या अंदर पलटने वाली पाइपिंग बना रहे हो, तो फिर आप रहने देना, क्योंकि वो अंदर पलटने पे भी गला बड़ा हो जाता है। तो मैं पाइपिंग वाला बनाऊंगी। जब हम पाइपिंग लगाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा खिंचाव में आके थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इसलिए हमें सिलाई कर रखना पड़ता है। अब देखिए, बैक पोर्शन का जो नेक बनाएंगे ना, अब बिल्कुल सेम यहीं पर ही हम निशान लगाएंगे, ठीक। और यहाँ पर हम पूरे 9 इंच का निशान लगाएंगे। तो निशान लगाने के बाद देखिए, अब ऊपर तो मैंने किनारी बाहर को निकाल दी थी, तो 3.25 था, तो ये 3 रह गया, ठीक है। लेकिन नीचे हम पूरा जो नेक है वो 3.25 का रखेंगे, क्योंकि ये किनारी का भी बाहर निकल चुका है ना, तो यहाँ पे हम पूरा पूरा रखेंगे। ऊपर हमारा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन नीचे पूरा रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए, आगे मैंने गोल गला बनाया है, अब मैं पीछे की तरफ ना यू गला बनाऊंगी, उसे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। ये देखिए, मैंने ये मिलाया। अब मिलाने के बाद मैं इसमें यू शेप डालूंगी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी ना, ये देखिए ऐसे, और बस अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए,
ठीक है। अब हम इसमें प्लेटों के निशान ले लेंगे बैक पोर्शन में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं आपको इस वीडियो में ओनली कटिंग बताऊंगी, और इसमें भी मुझे बहुत सारी जगहों पे वीडियो को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि ये पूरे 40 मिनट की कोर्स में से ये 40 मिनट से मैंने निकाली है। 40 मिनट की वीडियो थी, लेकिन उसे मैंने बहुत बहुत खींच तान के 25 मिनट पे लेके आई हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियो बन रही थी। तो चलिए, अब हमारे पास ये ब्लाउज़ की स्लीव्स के लिए बचा है कपड़ा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमारे को छोटी बाजू बनानी है। हमें बेल्ट भी बड़े आराम से फोल्ड वाली मिल जाएगी, क्योंकि अगर बेल्ट भी चार तह में बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है। अब जब इस तरह के रूबिया के ब्लाउज़ की जो फोल्डिंग लेनी है ना, तो मैं डबल लेनी है, तो मैंने फोल्ड करके देखा और देखा कि ये कितना कपड़ा इसके फोल्डिंग में डबल में जा रहा है, तो ये लगभग 2 इंच के आसपास इसकी फोल्डिंग में जा रहा है। तो अब हम इसको ऐसे करके एक लाइन लगाएंगे। तो ये लाइन हम जो लगा रहे हैं ना, ये 8.5 की लाइन लगाई है, और ये मैंने 3.5 इसकी लेंथ ले ली है, ठीक है। तो 3.5 अगर 4 है तो आप 4 ले लीजिए, जितनी आपको लेनी है। तो मुझे तो लगभग 3.5 या 3 तक ही बनानी है, इससे ज़्यादा नहीं बनानी। अब ये 8.5 जो मैंने है ना, ये लिया है जब हमने बॉडी मेजरमेंट लिया, तो आर्म होल का मैंने नाप लिया, तो वो हमारे पास 8.5 आया था। तो मैंने पूरा 8.5, मतलब पूरा तो 17 था, 8.5 पे मैंने एक मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई। अब ये देखिए, ये कपड़ा जो है बेल्ट में चला जाएगा, ये हमारे पास ऊपर स्लीव्स हो गई। अब परेशानी क्या आती है कि जितनी हमारी लेंथ है उतना ही हमारी जो है शेप में जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि फिर हमारा जो तिरछापन आएगा स्लीव्स का, वो कहाँ से आएगा। तो वहाँ पर जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो बाजू अक्सर वहीं गलत हो जाती है। तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप पूरा अपना 8.5 पे एक सीधा निशान लगाइए, ठीक। ये मैंने पूरा निशान लगा लिया 8.5। अब मेरा 8.5 आया है, तो आपका हो सकता है शोल्डर आपका अलग आए, तो जितना शोल्डर आए आप उतना ले लो, और इतने कपड़े को आप अलग कर दीजिए, ठीक है। और ये दोनों बाजुएं मेरी, ये देखिए कटिंग हो गई है। अब मैं इस पे अपनी ड्राफ्टिंग शुरू करती हूँ। तो बंद वाली साइड जो है वो लेंथ रहेगी, और जो खुली साइड है वो हमारी वहाँ पे शेप कटेगी। एक इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, मेरे पास बहुत बार शेप आती है तो वो गलत साइड पे डली होती है। अब यहाँ पे मैंने देखिए, ये मेरे पास पूरा 4 इंच का कपड़ा है, तो मैं 3.5 की इस पे शेप ले लेती हूँ। 3.5 या 3 इंच की शेप बिल्कुल ठीक रहती है, ठीक है। और अगर इन केस आपके पास 2 इंच की स्लीव्स हो, तो आप क्या करो, इस जो आपकी लेंथ है उसमें आप बस 1 इंच कम कर लो, ठीक है ना, ऐसे भी चल जाएगा। तो अब हमारी शेप बिल्कुल कोने पे ही पहुंच रही है, और ये मैंने कोने पे लगा ली। लगाने के बाद क्या करना है, मुझे पहले तो मैंने सीधा 8.5 लिया था, अब मैं क्रॉस में 8.5 लूँगी, तो थोड़ा सा मेरा ऊपर चला जाएगा निशान, ये देखिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे बाजू की जो गोलाई है वो 15 लेनी है, तो मैं 15 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि मेगा स्लीव्स ना हल्की सी लूज़ होती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उससे कम करके, यानी 8 इंच ले लिया मैंने, और करके मैंने ऐसे तिरछा निशान लगा दिया, ये देखिए। अब ये लगभग 1 इंच का आपको तिरछापन मिल जाएगा, तो बस इतना ही तिरछापन चाहिए होता, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता, ठीक है ना। चलिए अब हम दोनों बाजुओं को एक साथ रख के इसकी शेप कट कर लेते हैं। बस ये थोड़ा थोड़ा सा हमारा सिलाई के लिए रह जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हम सिलाई का नहीं रख सकते, नहीं तो बिल्कुल आर्म होल के यहाँ पर एक बहुत मोटा सा कपड़ा हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो जब भी छोटी बाजू बनाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको कपड़ा नहीं रखना उसमें। तो अब आपने देखा ना शेप वगैरह मैंने कैसे कट किया है, ठीक। बिल्कुल आपको जब भी आप छोटी बाजू बनाओगे तो इसी तरह कट करना। चलिए अब हमने देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा कट आया ना, जब हम फोल्ड करेंगे तो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। चलिए अब हम इसमें आगे की शेप बनाएंगे। अब इस स्लीव्स को हम खोल लेते हैं और इसको भी खोल लेते हैं,
ये दोनों स्लीव्स हमने खोल ली। अब खोलने के बाद मुझे क्या करना है, इसकी फ्रंट शेप देनी है। तो फ्रंट शेप आप देते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी आप जोड़ोगे तो फ्रंट शेप को फ्रंट में मिलाकर। अब यहाँ पे मैंने इसका हाफ किया और 0.75 की एक शेप डाल दी फ्रंट की, और बस अब हम इसको कट कर देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही करना ताकि दोनों शेप आगे आगे आएँ। कई बार क्या होता है ना, आप मतलब बनाने के बाद कट करते हो तो एक पीछे कर देते हो, एक आगे कर देते हो, या जोड़ते समय गड़बड़ करते हो, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हमारी शेप की कटिंग हो गई है और हमारा जो ब्लाउज़ बिल्कुल कंप्लीट कट चुका है। अब हमारे पास आ गई बेल्ट की बारी। ठीक, अब ये कपड़ा मेरे पास बचा है सारा, अब मैं इसके अंदर बेल्ट की मार्किंग करती हूँ कि बेल्ट की मुझे कितनी चाहिए मार्किंग। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे पास थोड़ा सा सिलाई के गया हाफ इंच, ये मैं 2 इंच की बेल्ट ले ली, और फिर मेरे पास ये पूरा मिला के 2.5 हमारे पास हो जाएगा ये। और ये मैंने जो लिया है 1.5 मैंने लिया है, जो मैं अभी आपको एक शेप और करके बताऊंगी, तो यानी ये लगभग मेरे पास 3.5 आना चाहिए। तो ये 3.5 मेरे पास पूरा ही कपड़ा 3.5 या 4 के आसपास है। अब ये देखिए 1.5 हाफ 2 इंच की मैंने बेल्ट की लेंथ ले ली। अब एक साइड मेरे पास 3.5 है, एक साइड मैंने 2 का निशान लगा लिया। अब देखिए इसके अंदर एक गोलाई होती है, तो वो मैं आपको ब्लाउज़ के में से दिखाती हूँ कि ये गोलाई जो मैंने 1.5 एक्स्ट्रा लिया है वो कहाँ से लिया है। तो सबसे पहले जो प्लेट की विड्थ है उसको नापेंगे किनारी को ऐड करते हुए। तो 3.5 मैंने किनारी के बाद लिया था, और किनारी भी मिलाएंगे तो हमारे पास 4 इंच हो जाएगा पूरा। ठीक, ये 4 इंच हमारे पास हो गया। अब 4 इंच का एक निशान लगाएंगे, तो यानी गोलाई हमारी इस 4 इंच के पीछे पीछे रहेगी, बाकी की बेल्ट हमारी सीधी रहेगी। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब आपको ध्यान रखनी होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 2 इंच के बाद कहाँ से बढ़ाया था 1.5 इंच। ये मैंने 1.5 जो बढ़ाया वो यहाँ से बढ़ाया है, जो प्लेट है उसके नीचे की जो जगह बची है वो 1.5 की बची है। यहाँ पर मैं एक गोलाई बनाऊँगी, अभी आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसे प्लेट से हम ऐसे गोलाई में बना देंगे, ये पूरा 1.5 है। अब हम इसको कट कर देते हैं। तो जो ये 1.5 हम यहाँ पे कट कर रहे हैं ना, वो हमने बेल्ट में बढ़ा दिया, यानी 2 इंच की बेल्ट है और 1.5 हमारा इसमें मैंने ऐड किया है। तो अब हम इसकी गोलाई बनाएंगे, यहाँ पे हम पूरा 2 इंच रखेंगे और ये गोलाई है। ठीक है ना, अब आपको पता चल गया कि हम कहाँ तक गोलाई बनाएंगे। जहाँ तक हमारा प्लेट का निशान होगा वहाँ तक हम गोलाई बनाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर ही जुड़ेगा, और बस ऐसे करके पूरा पीछे तक चले जाएंगे। अब देखिए मैंने 2 इंच की बेल्ट लिया है ना, तो जब हम उसमें जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ठीक आएगी। नीचे तो सिलाई लगेगी नहीं क्योंकि फोल्ड कपड़ा है, सिर्फ ऊपर से ही जाएगा। ठीक है, तो इतना इतना सिलाई में चला जाएगा ये, और हमारी जितना हमारा बेल्ट के लिए ज़रूरत थी वो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेल्ट की लेंथ हो गई, और ये जो थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये सिलाई का है, यानी 3.5 हमारी तैयार बेल्ट हमें मिल रही है। अब देखिए लेंथ तो सेट हो गई, अब विड्थ हमारी सेट नहीं हुई है। अब विड्थ को सेट करने के लिए हमें अब जितनी हमारी वेस्ट साइज़ है उसे 4 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा है, ये हमारा पट्टियों में जाएगा, और फिर 1/4 वेस्ट साइज़ लेके हमने यहाँ पे एक निशान लगाया, और यहाँ पे 2 इंच का इसमें मार्जिन रखा, और जो कपड़ा एक्स्ट्रा है वो हम इसे कट कर देंगे। तो बेल्ट हमारी कट के रेडी हो गई है। अब बिल्कुल आप इसी तरह कटिंग करना और इसे बनाना, बहुत ही सुंदर आपका ब्लाउज़ बनेगा। तो अब देखिए सारा बनाने के बाद स्लीव्स बन गई, बेल्ट बन गई, अब हमें इसकी पट्टियाँ चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से जब हमने कटिंग बनाया तो ये थोड़ी सी 2 पट्टियाँ निकली हैं जो लंबी लंबी हैं, और ये इसकी बेल्ट में बिल्कुल पूरी आएंगी, तो इसलिए हमें कुछ कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब सारा बनने के बाद ये सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं, ये देखिए एक ये टुकड़ा बचा है। तो इसमें से हम
जो इसकी नेक है उसकी पट्टियाँ कट कर लेते हैं, यानी पाइपिंग कट कर लेते हैं। तो बहुत छोटी पाइपिंग नहीं रखेंगे, जो बड़ी बड़ी पाइपिंग है वो ही लेंगे। और देखिए ये जो रूबिया के कपड़े होते हैं ना, इसके अंदर बहुत लिमिटेड कपड़ा होता है, तो इसमें गलत होने की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से कटिंग करना, पहले पेपर पे बनाना फिर उसके बाद कटिंग करना, ठीक है। और इन केस अगर फिर भी आपकी बेल्ट पाइपिंग में थोड़ा कम पड़ता है, तो ये जो नेक कट किया है ना, इसमें से भी आपको लंबी पाइपिंग मिल सकती है। और फ्रेंड्स जब आप इसे न्यूज़पेपर वगैरह पे बनाएंगे, बना के आप देखना और प्रैक्टिस करना। देखिए ये सब काम प्रैक्टिस से ही आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कटिंग बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो देखिए ये मैंने कोर्स की वीडियो डाली है, बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मैम आप जो लोग कोर्स परचेज़ कर लेते हैं वो लोग तो कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे बारे में भी सोचिए, हमें भी बताइए, हम टेलरिंग करते हैं। तो मैंने एक वीडियो कोर्स से निकाल के आपके लिए डाली है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपको इसकी स्टिचिंग की बताऊंगी। तो आप बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी।